था राज्यसभा में पास करा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है इसका कोई आंकड़ा नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह की तरफ से कृषि कानूनों के आंदोलन पर उठाए गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। रिपोर्ट देखिए। अब आंदोलन में किसानों की मौत पर आंसू बहाना छोड़ दीजिए जनाब, क्योंकि सरकार भूल गई है। इस आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई है। कहावत सही बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि किसानों के मसीहा बनने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो संसद में साफ साफ बोल दिया कि जब किसानों की मौत ही नहीं हुई तो फिर मुआवजे का मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने आंदोलन में किसानों की मौत के आंकड़े अपने बही खाते में ही दर्ज नहीं किए। अब सवाल ये कि क्या किसी मंत्री की मौत नहीं हुई या फिर किसी सेलिब्रिटी की जान नहीं गई, इसलिए किसान की मौत सवाल बन गई। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा में पूछा था कि क्या सरकार के पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है, और क्या सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी। अगर ऐसा है तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे। तो इसके साथ साथ सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बातचीत के लिए कोई कदम उठाए हैं, अगर उठाए हैं तो क्या, नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए। सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए थे उन्हें ही वापस लिया, अगर हाँ तो जानकारी दें। इसके इतर कृषि मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि सरकार लगातार सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर रही है ताकि आंदोलन खत्म किया जा सके। इसके लिए सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच 11 स्तर की बातचीत भी हुई। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस ले लिया है। इसके साथ साथ सरकार ने 22 फसलों के MSP घोषित किए हैं। MSP पर खरीद के लिए केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां सरकार की कई योजनाओं के तहत फसलों की खरीद कर रही है। सरकार ने भले ही कृषि आंदोलन के दौरान एक भी किसान की मौत न होने का दावा किया हो, लेकिन किसान संगठनों का दावा है कि पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की जान गई। इतना ही नहीं, किसान संगठन अपनी शर्तों में इन किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब कृषि मंत्री का ये रुख एक नया बवाल खड़ा कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।